हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू बैक माय अनदर व्लॉग। तो यार, काफ़ी दिनों से मैं घर पे बैठ बैठ के बोर हो गया था, तो अभी प्रोग्राम बना है हमारा दरगाह पे मुर्शिद संभग की, वहाँ पे चलते हैं। उसके बाद चलते हैं मॉल पे, जैसे ही फिर उसके अलावा भी अदरवाइज भी प्रोग्राम बनता है कहीं चलेंगे तो फिर बताएंगे आपको। अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, रेडी होके फिर मिलते हैं जैसे ही बैठते हैं गाड़ी में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ मुर्शिद संभग पे यार, तो रात को मुझे यहाँ पे पहुँचते पहुँचते लेट हो गई, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया रास्ते में। क्लिप वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाई, रात को बहुत लेट हो गई। तकरीबन हम पहुँचे हैं यहाँ पे 11:30-12 बजे तक पहुँचे। फिर जैसे आए तो सो गए, अभी उठे तो नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मुर्शिद संभग जो दरगाह का नज़ारा है यहाँ पर, वो आपका दिखाता हूँ। उसके अलावा ये मुर्शिद संभग की दरगाह और सखी मोड़ मुबारक नाम से जानी जाती है। तकरीबन ये हम चौकी से थोड़ा ही 80 से 100 किलोमीटर अंदर दरगाह है मुर्शिद संभग सवाई की, मुर्शिद सखी मोड़ मुबारक भी कहते हैं। तो चलते हैं थोड़ी देर में अंदर, फिर वहाँ पे आपको व्यू करवाते हैं। हवा इतनी है, देखो बगैर लाइट के ये पंखा चल रहा है। ये तार आपके सामने यहाँ पे पड़ी है, फिर भी ये चल रहा है। देखो इतनी यहाँ पर हवा लग रही है, 120 की स्पीड पर चल रहा है। जो हाल बने हुए हैं न्यू, उसका काम चल रहा है। ये पूरा हाल बन रहा है अभी यहाँ से लेके वहाँ एंड तक, ये पूरा जेंट्स का हाल बन रहा है। और इसके साइड में जो मेले में जो ड्रामा वगैरह हुआ था, वो लेडीज़ का हाल है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, एक बार फिर भी आना होगा तो फिर भी आपको वो कराएंगे जब ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा। अभी तो मुकम्मल नहीं हुआ, काम सारा चल रहा है अंदर हाल का भी। आवाज़ मुझे बच्चे तो सही, आवाज़ भले चिके अच्छे सही। तो गाइस, ये मुर्शिद संभग सवाई के मज़ार है। ये है मुर्शिद संभग सवाई। और अभी हम जा रहे हैं मुर्शिद मोड़ मुबारक, सखी मुर्शिद मोड़ मुबारक। तो गाइस, ये है सखी मोड़ मुबारक की मज़ार, और इसके ऊपर जो छत लगी हुई है और बीच में से ये टुकड़ा कटा हुआ है, क्योंकि ये सखी मोड़ मुबारक मुर्शिद अपने सर के ऊपर छत बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए ये बीच में से टुकड़ा काटा गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना सुकून है जिसकी कोई हद भी नहीं है। जैसे कि गाइस, मैंने एक पीछे क्लिप लगाई है, वो तलवार की क्लिप है जो मोर मुबारक को नूरानी सरकार से मिली हुई मिला हुआ, मतलब कि एक तोहफा है। यहाँ के जो गादी नशीन है और यहाँ के जो गादी नशीन का जो कहना है, उनका यही कहना है कि जो आरी पीर थे, आरी पीर ने ये दावा किया था कि यहाँ से मेरा मोर कोई भी लेके जा नहीं सकता, तो वहाँ से सखी मोर मुबारक मोर लेके आए थे। तो इस दावे को पूरा करने के बाद सखी मोर मुबारक को ये गुरानी सरकार ने ये तलवार गिफ्ट की थी, जो यहाँ पे पीछे लगी हुई है और मैंने आपको क्लिप लगाई हुई वो वाली सामने, तो उसकी क्लिप मैंने वीडियो में लगाई, आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो पोस्ट की हुई थी कि हम शोरूम पे गए थे गाड़ी लेने के लिए, तो वो शॉर्ट वीडियो मैंने पोस्ट कर दी, और पूरा कंप्लीट व्लॉग पोस्ट नहीं किया था क्योंकि उस टाइम हमारी गाड़ी का सौदा नहीं बना था। तो उसके बाद उसने फ़ोन करके हमें बुलाया, उसके बाद हमारी गाड़ी का सौदा डन हो गया। तो अभी मैं वो गाड़ी आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह वो हमारी ये गाड़ी थी जिसका हमने सौदा भी किया था। हर चीज़ ओके हुई थी लेकिन फिर भी उसका सौदा डन नहीं हुआ, फिर हम वहीं पर छोड़ के आए थे इस गाड़ी को। तो अभी आपको ये दिखा रहे हैं, वही गाड़ी है सेम। बाद में उसने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद हमारा सौदा डन हो गया, तो हम ये गाड़ी लेके आए थे बस। तो फिर आप लोगों की दुआएं चाहिए इंशाल्लाह, फिर ये तो अभी अपने पैसों से लेंगे, आप लोगों की दुआएं और सपोर्ट चाहिए, फिर इंशाल्लाह यूट्यूब की अर्निंग से हम भी गाड़ी लेंगे। और सपोर्ट करते रहे इसी तरह से, आपने अभी भी इतना सारा प्यार दिया है कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, और आगे भी इससे भी ज़्यादा प्यार करें और इससे भी ज़्यादा सपोर्ट करें इंशाल्लाह। जहाँ तक मेरी
मेरा ड्रीम है कि 1 मिलियन तक सब्सक्राइब जाएं, लाखों में व्यूज़ जाएं, मिलियन में व्यूज़ जाएं, वो भी आते रहें। और इन लोगों की यहाँ पे जाटे तो ये बकरा वगैरह लेके आए कुर्बानी देने के लिए। और इसके अलावा भी मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत है, जैसे कि सोने के हिसाब से बिस्तर वगैरह और खाना पीना किसी भी चीज़ की मना नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ की सहूलत है। हम खुद भी रात को आए थे 11:30 बजे के टाइम पे, तभी भी गेट वगैरह खुले हुए थे, आके हम सुकून से सो गए थे। यहाँ पे किसी चीज़ की मना नहीं होती। तो मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट होगी, आए साईं की मज़ार देखें और यहाँ का पूरा व्यू भी देखें, पूरा दरगाह का जो नज़ारा है वो भी देखें।